नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की भी वीडियो यूके से रिलेटेड ही है, रिफ्यूज़ल प्लस बैन, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो यूके में जब भी आपका वीज़ा रिफ्यूज होता है तो दे स्पेसिफिकली मैंशनड अबाउट द पैराग्राफ अंडर दैट पैराग्राफ दे आर गोइंग टू रिफ्यूज़ योर स्पेसिफिक वीज़ा। एज वेल एज जब बच्चे के ऊपर बैन लगता है तो जो बैन लगता है उसके अंदर जो पैराग्राफ है 9.71A and V और उसमें 9.72, ये पैराग्राफ्स हैं जो इमिग्रेशन रूल्स के हैं यूके के। अगर आप गूगल में डालेंगे पैराग्राफ 9.71 तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, गूगल से भी आप पढ़ेंगे। इवन 9.72 के अंदर क्या मैंशनड है वो भी आपको गूगल से मिल सकता है, वहाँ पढ़ के आपको पता चल सकता है कि स्पेसिफिकली हुआ क्या है। इवन रिफ्यूज़ल में भी दे आर एक्सप्लेनिंग कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा होता है। तो मैंने फिर बताया है कि यूके हमारी प्राइमरी कंट्री रही है और मैं इसको रिलायबल कंट्री नहीं समझता हूँ, क्योंकि इनकी जो रूल एंड रेगुलेशन है, मतलब कब पता नहीं कब इन्होंने रूल चेंज करने हैं, और रूल ऐसे चेंज करते हैं जो बेचारे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स भी है, प्रोस्पेक्टिव डेट से वो चेंज करते हैं कि हाँ इमीडिएट इफेक्ट से चेंज नहीं करते, वो भी एक ड्रॉबैक्स है। और इवन जब इनको लोग चाहिए तो बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, जब नहीं है तो वो अच्छे लोगों को भी फिर डिपोर्ट करना, कैंसिल करना, मतलब ऐसी चीज़ें करनी स्टार्ट कर देते हैं। बट हमारी पब्लिक है और बहुत ये मार्केट के अंदर प्रमोट हो रहा है यूके। आप मेरी वीडियो देखिए, बहुत ही कम वीडियोज़ मिलेंगी यूके से रिलेटेड, क्योंकि मतलब जब कोई कंट्री डाइजेस्ट नहीं होती तो उसको हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपका यूके का वीज़ा रिफ्यूज्ड हुआ है और साथ में बैन लगा है और आप एक जेन्युइन है तो आप हमारा भी ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि यूके में किस वे से पैप डालना है जिसको प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं, या AR डालें जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कहते हैं या जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, किस वे से डालनी है, उसका टाइम फ्रेम क्या है, टाइम वार्ड हो जाता है तब आपने उसके अंदर क्या एक्सक्यूज़ लिखने हैं, ये वो ही बता सकता है जो इन चीज़ों के साथ में रेगुलर टच में है। तो इससे रिलेटेड है एक हमारी प्लेलिस्ट भी है, डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। देयर आफ्टर आपको पता चल जाएगा कि हम यूके में किस वे से बच्चों की, चाहे पैप है चाहे AR है, किस वे से प्रेजेंट करते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे पास आए तो मैं 100% गारंटी दूंगा, केस एनालाइज करने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपके 20-30% है, जस्ट एक 50-50 चांसेस है, जहाँ आपके केस में 80-90% चांसेस है। 100% यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, आइदर ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है चाहे कोई वीज़ा है। वी आर द कंसल्टेंट, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसको एनालाइज करने के बाद, आपके केस को देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा एक्सपीरियंस बोलता है कि हम यहाँ पर किस वे से आपके केस को प्रेजेंट करें। तो मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो अपनी प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री को या प्रीवियस जो उन्होंने अपनी ब्रीच की होती हैं उनके सिस्टम को वो मेंशन नहीं करते फॉर्म के अंदर। इवन प्रीवियसली ओवरस्टे होकर आए होते हैं यूके से, उनके केसेस भी हमारे पास आते हैं। इवन वहाँ से डिपोर्टेड जो होकर आते हैं, जो वॉलंटरली वापस आ जाते हैं यूके से, जो अपने एक्सपेंसेस पर वापस आते हैं, जो यूके के एक्सपेंसेस पर वापस आते हैं, उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, ये सारे के सारे चीज़ों को एनालाइज करने के बाद हम सजेस्ट करते हैं। इवन आप फेक डॉक्यूमेंट, फेक कोर्स को, आपका कैश लेटर हो गया, जहाँ आपका ये वहाँ से जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आता है, ऐसे स्कैम भी हमारे पास आ रहे हैं। और मार्केट के अंदर यूके का स्किल्ड वीज़ा 20-20 लाख से लेकर 40-40 लाख का बिक रहा है, और वो भी फेक आगे मिल रहे हैं, और बच्चों के लाखों रुपए वेस्ट हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट टाइम, और उनका कैरियर भी स्पॉइल हो रहा है। उसमें सबसे जो बड़ा पार्ट है आपका खुद का है, क्यों? क्योंकि आप लाखों रुपए देने से पहले कोई भी चीज़ को क्रॉस चेक नहीं करते। मैं ये एक एप्पल फ़ोन भी परचेज करने जाता हूँ ना, 10 बार उसको पूछता हूँ कि इसके अंदर फीचर्स क्या हैं। मैं आपकी बात ही बता रहा हूँ, अपनी नहीं बता रहा हूँ, कि इसके अंदर फीचर क्या है, इसकी क्या गारंटी है, बिल देंगे या नहीं देंगे। इस छोटे से फ़ोन को लेने के लिए आप इतने नखरे, इतना कुछ करते हैं, तो आप लाखों रुपए देने से पहले ऐसी रिसर्च क्यों नहीं करते? दिस इज़ योर ओन फॉल्ट। अगर आप वो रिसर्च करते हैं तो आपके लाखों रुपए बच सकते हैं, बट वो हमने कब करनी है? जब आप डिफ़िकल्टी में आ जाते हैं,
वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, बड़ा स्कैम हो जाता है, साथ में बैन लग जाता है, तो वो तो फिर बड़े लीनियट है कि वो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल एक्शन नहीं करते, कोई पुलिस एक्शन नहीं करते। वो पुलिस एक्शन भी तब करते हैं तो जब पता चलता है कि इस बंदे ने तो अप ही उठा दी हुई है, इतनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ रही हैं। तो फिर यूके एम्बेसी ने ऐसे ऐसे भी कांड किए हैं कि वो उठाकर सारे के सारे केस कंसर्न एसएसपी को भी भेज देती है कि इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। दीज पीपल आर यूजिंग ए फेक डॉक्यूमेंट फॉर ऑब्टेनिंग ए वीज़ा। तो अभी जो 9.71 है उसके अंदर ए भी है या 9.72 है वो क्या है? तो अगर आप कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाकर अपना कोई वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं, आइदर आपके एजेंट ने क्यों ना लगाए हों, तो उसमें सबसे जो ऑनेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, एप्लीकेंट की है, क्योंकि इसके अंदर सबसे जो बेनिफिट है एप्लीकेंट को होना था। तो सारे का सारा एक्शन आपके अगेंस्ट होना है। तो 9.7.2 है उसके अंदर क्या है? उसके अंदर ये है कि अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई रिफ्यूज़ल है वो नहीं मेंशन करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगाकर अपना वीज़ा लेने की कोशिश करते हैं जो फेक हैं, या ऐसी इन्फॉर्मेशन गलत मेंशन करते हैं फॉर्म के अंदर, उसके कारण भी आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ और 10 साल का बैन लगता है। तो हमने बहुत सारे बैन केसेस को डील किया है, बहुत सारे सक्सेस भी हुए हैं। जो सक्सेस हुए उनको वीज़ा भी ग्रांट मिला है। अभी 2-3 दिन पहले ही 200 साल के वीज़ाज मिले हैं उनको, आफ्टर ये आप प्री एक्शन उनको प्री एक्शन प्रोटोकॉल के बाद उनको 2-2 साल के वीज़ाज मिले हैं, उनको रिफ्यूज़ किया, साथ में बैन लगाया। केस देखना पड़ता है हमें। केस देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपका सिर्फ बैन रिमूव होगा या आपको वीज़ा भी ग्रांट हो सकता है। ये सारा का सारा जो एक्सपीरियंस है, ये ऐसी चीज़ें वही बोल सकता है जो रेगुलर इनमें आपके केसेस डाल रहा है। प्री एक्शन प्रोटोकॉल जिसको पैप कहते हैं, उसका प्रोसेसिंग टाइम कितना है, कितना फास्ट है, तो उसका सक्सेस रेट अगर कंपेयर करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के साथ, जिसको AR कहते हैं, या पैप को देखते हैं कि दोनों में सक्सेस रेट किसका है, और इसके अलावा जो जुडिशियल रिव्यू है तो उसका सक्सेस रेट अगर इन दोनों के साथ पैप और AR के साथ कंपेयर करते हैं किसका है, ये सारा का सारा जो चीज़ है वही बता सकता है जो वहाँ की जजमेंटों को पढ़ता है, जो ऐसे केसेस को रेगुलर वहाँ पर अप्लाई करता है। अब ये नहीं है कि मैं ऐसी वीडियो बना रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ तो मैं आपको 100% गारंटी दे पाऊँगा। गारंटी क्योंकि आई एम नॉट द जज, आई एम नॉट द डिसीजनिंग अथॉरिटी, आई एम नॉट द एम्बेसी, आई एम नॉट द यूनिवर्सिटी। ये सारी जो डिसीजनिंग पावर्स हैं दैट इज़ इन द हैंड्स ऑफ द रिस्पेक्टिव एजेंसीज, जो भी हैं, आइदर वो एम्बेसी है या यूनिवर्सिटी है या वो वहाँ की कोर्ट कचहरियाँ हैं। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो हम उनके अंदर चीज़ें कोर्ट करते हैं, वो ऐसी ऐसी चीज़ें कोर्ट करते हैं तो सामने वाला फिर उसको सोचता है, रिकंसिडर करता है, रिव्यू करता है, देयर आफ्टर वो अपना डिसीजन देता है। अगर आपका किसी भी कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज्ड है, आप एक जेन्युइन हैं, तो कहाँ अगर आपको वहाँ पर राइट ऑफ अपील है, तो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि यहाँ पर अपील करने का फ़ायदा है या नहीं है। इस कंट्री में अगर आपको बैन लग चुका है, यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है टाइम वेस्ट करेंगे। इस कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, वहाँ से आपका कोई बैन लगा है, मुझे मालूम है कि अगर कोर्ट के जा रही हूँ कोई चक्करों में पड़े, 4-5 हज़ार जो यूरो या US डॉलर या कैनेडियन डॉलर या पाउंड है वो कंट्री का वो लॉयर ही ले जाएगा, टाइम मत वेस्ट करें क्योंकि हमारे पास फैक्ट रहता है। तो अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम है, आपका किसी भी टाइप का कोई केस है जिसमें आप जेन्युइन हैं, जहां आपको गलती से कोई इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं कर पाए, उसके कारण केस रिफ्यूज हैं, जब साथ में बैन लगा है, तो हमारा ओपिनियन जरूर लें, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन मैंने फिर बता दिया टेक्निकल है। तो लास्ट मेरी ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चाहिए उसका लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।